हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज इस वीडियो में हम करने वाले इफ एल्स कंडीशंस। तो इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, किस तरह से काम करती है और किस तरह से हम इफ एल्स कंडीशन को ऐड करते हैं अपने कोड पे, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ यार कि इफ एल्स कंडीशन हम कहाँ कहाँ पे और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इक्वल टू के लिए। तो अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को इक्वल टू कंपेयर करें कि ए, सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर की आपने वैल्यू रखी है 10, ठीक है, और दूसरा एक वेरिएबल आपके पास बी जिसके अंदर वैल्यू है 12, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं सी जिसके अंदर 10 रख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर कराएंगे, इक्वल टू कंपेयर कराना, तो इक्वल टू कैसे कंपेयर कराएंगे, इफ ए इज इक्वल इक्वल टू सी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट यू ए एल इक्वल। तो अगर ए जो वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू, और सी वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो वाली वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल टू होंगी, दोनों बराबर वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इफ कंडीशन के अंदर चला जाएगा और जो भी कोड होगा उसको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इफ के अंदर क्या कोड लिखा है, प्रिंट इक्वल, तो ये इक्वल प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने इक्वल प्रिंट कर दिया क्योंकि ए और सी जो वेरिएबल में वैल्यूज पड़ी है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद दूसरा वाला आता है, हम नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है क्या। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए में 10 पड़ा हुआ है, सी में 10 पड़ा हुआ है, ये दोनों तो बराबर हैं, तो ए नॉट इक्वल टू सी तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं कभी, ठीक है। अब हम दूसरे वाले के साथ प्रिंट कराते हैं, ए और बी को करते हैं, तो बी में भी अलग वैल्यू पड़ी है, 10 में अलग वैल्यू पड़ी है, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी। तो बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स पे काम करती है, हम जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं वो मैच होती है, अगर वो ट्रू होगी तो ये इस इफ के अंदर जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, और जो भी कोड होगा आपका, जो भी जितने भी लाइन का कोड लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो सब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा ये। इस तरह से जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, नीचे कुछ भी लिखते हैं, वो सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके बाहर, ठीक है, कि अगर मैच नहीं होता तो क्या। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैं। ये अंदर क्यों आया, ये कंडीशन ट्रू क्यों हुई, क्योंकि हमने लगा रखा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो हाँ ये तो सही है कि ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो दोनों बराबर हैं ही नहीं, तो इसने नॉट इक्वल प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा तो ये हो गया, एक तो इक्वल टू कंडीशन के लिए, एक नॉट इक्वल टू कंडीशन के लिए। अब अगर हमें कंपेयर कराना हो कि ए और बी में हमें छोटा देखना हो कि कौन सा वैल्यू छोटा है, कि ए छोटा है क्या बी से, तो हम देखते हैं यहाँ पे ए इज लेस देन बी मैंने कराया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी कि ए और बी छोटे हैं, तो बेसिकली अभी तो हमें पता है क्योंकि हमने खुद ही वेरिएबल में वैल्यू असाइन की है, बट जब आप एक्चुअल में डेवलपमेंट करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, बैकएंड से आपकी जो वैल्यूज आती हैं वेरिएबल्स के अंदर आप स्टोर करते हो, आपको नहीं पता होता उस टाइम पे कि क्या वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। तो हम उस टाइम पे इन कंडीशंस को लगाते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो मेरी पहली वाली वैल्यू थी वो छोटी थी इसलिए ये वाला मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाला मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा एक्चुअल में वहाँ पे ये काम में आती है। तो यहाँ पे बस एक तरह से बेसिक है, बेसिक नॉलेज के लिए है कि इफ एल्स कंडीशन चलती कैसे है। तो अगर मैं ए और लेस देन बी को कंपेयर कराऊंगा तो ये क्या देगा मुझे, यस, क्योंकि ए जो है वो 10 है और बी में क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, तो ए छोटा है बी से, ठीक है। तो इसने इसी तरह से हम ग्रेटर का भी करा सकते हैं कि ग्रेटर देन मुझे चेक करना हो कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया कि ए इज, क्योंकि ए क्या है, छोटा है और बी जो है बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, तो ये बाहर आ गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एल्स वाला कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप एल्स कंडीशन में क्या करा दोगे, प्रिंट यहाँ पे नो कर दो, ठीक है, कि बाय चांस अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर नहीं आता, तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए जो एल्स ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो आप रन करके देखते हैं, तो इसने नो दे दिया क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, बी में 12 है और ए में क्या है, 10 है, तो 10 जो है 12 से छोटा होता है, तो वो कहाँ आ गया, एल्स वाले ब्लॉक में आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से लेस देन की कंडीशन होती है, ए इज लेस देन बी, तो ए इज लेस देन बी में आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ऑलरेडी ए जो है छोटा है बी से, तो वो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा आप एक, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये यस वाला जो ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। कभी कभी इस तरह की कंडीशंस भी आ जाती हैं कि या तो ए छोटा हो या फिर बराबर हो, ठीक है, उस टाइम पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट करेगा, या फिर ए इज लेस देन इक्वल टू बी भी होता है, ठीक है, इस तरह से, सॉरी मैंने लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, ए क्या है 10 है और बी क्या है 12 है, तो ए यानी कि छोटा है बी से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, छोटा हो या फिर बराबर हो, मतलब तो दो कंडीशन है इसमें, या तो छोटा होना चाहिए और अगर छोटा नहीं है तो बराबर होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन मैच हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
अब मैं ग्रेटर देन की जब कंडीशन चेक करूंगा इसके साथ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी करूंगा, अगर मैं लेस देन इक्वल टू मैंने चेक कर लिया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी करूंगा, तो पहले ये चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है। यहाँ पे देखेगा ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 12 है, तो ए बी से बड़ा तो नहीं है। फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा ए इज इक्वल इक्वल टू बी, तो ऐसा भी नहीं है, तो यानी कि ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज नो प्रिंट कर देगा इस केस में। ठीक है, तो इस केस में इसने नो प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो हम इफ एल्स के साथ लिखते हैं, इफ एल्स के साथ हम लोग करते हैं, तो ये बहुत काम आती हैं कंडीशंस। कभी कभी हमें मल्टीपल कंडीशंस भी लगानी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी यार इंडेंटेशन का ध्यान रखना है बेसिकली यहाँ पे, कि आपने ये इफ का एक ब्लॉक बनाया, उसके बाद जब एंटर मारोगे तो एक टैब स्पेस आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो आपका एडिटर इतना स्मार्ट होता है कि ऑलरेडी एक टैब स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर नहीं है तो एक टैब स्पेस आपको देना है, तभी ये इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे ना, तो ये आपको एरर दिखाने लग जाएगा, ये एरर दे देगा इंडेंटेशन की। देखो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक, तो यहाँ पे बेसिकली इंडेंटेशन का ध्यान रखना है जब भी पाइथन का कोड करना है हमको। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं इफ के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, दो तीन तरह के चेक लगा सकते हैं। जैसे एक मैंने इफ लगाया, यहाँ पे एल्स लगा दिया। अब मैं दूसरे तरह का अगर मैं लगाना चाहूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक और इफ लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी है, अगर अगर ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या वो प्रिंट कर दे ए इज इक्वल इक्वल टू बी। ठीक है, ये प्रिंट कर दे मेरा, अगर एल इफ होता है और कंडीशन बेसिकली एक तरह से, या तो ये अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, अगर होगा ये कंडीशन मैच हुई तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हुई तो फाइनली एल्स ब्लॉक में लिख देते हैं, एल्स प्रिंट अबव कंडीशन नॉट मैच, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा है अबव कंडीशन नॉट मैच, ऐसा क्यों हुआ, ए ए में 10 है, बी में कितना है 12 है, ए इक्वल इक्वल टू बी है क्या, इसके अंदर तो आएगा ही नहीं है। फिर ये चेक करेगा ए में 10 है, बी में 12 है, तो ए क्या है छोटा है, यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये इस वाले में भी नहीं आएगा। फिर ये चला जाएगा एल्स में, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो मैच ही नहीं हुई, तो एल्स में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो वो एल्स वाले में जो भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन अगर लगाना चाहूँ एलिफ की, एलिफ एलिफ ए इज लेस देन अगर बी है, तो उस केस में क्या प्रिंट कर दें, प्रिंट ए लेस देन बी। ठीक है, तो ए कितना है 10 है मेरा, बी 12 है, तो ये वाली कंडीशन अभी ट्रू हो जाएगी इस केस के लिए, तो ए लेस देन बी प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखो ए लेस देन बी प्रिंट कर दिया इसने। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग लगा के दिखा दी मल्टीपल कंडीशन। और एल्स ब्लॉक का ध्यान रखना है, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो एल्स वाली कंडीशन के अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है फाइनली। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, नेस्टेड हम इफ भी लिख सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स भी हम चला सकते हैं इसके अंदर। तो नेस्टेड इफ एल्स कैसे कैसे चलाएंगे वो अभी देखते हैं एक बार। सपोज आपने लिखा इफ ए इज इक्वल इक्वल टू सी कर दिया, ठीक है, उसके अंदर फिर हमने एक और कंडीशन लगाई, इफ ए इज लेस देन बी लगा दिया आपने, फिर इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगाई, इफ ए इज ग्रेटर देन ए इज इक्वल इक्वल टू बी लगा दिया आपने यहाँ पे फिर से। ठीक है, और इसके अंदर आप प्रिंट कराना चाहते हो, प्रिंट करा दिया मैंने हेलो। ठीक है, और इस अब इनके एल्स सबके अलग अलग होंगे, इसका एल्स यहाँ पे लिखा जाएगा, प्रिंट यहाँ पे नो लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है इसमें, पहले वो चेक करेगा इफ ए इज इक्वल इक्वल टू सी है क्या, ए में क्या है मेरा 10 है, सी में क्या है मेरा 10 है, तो हाँ ए इज इक्वल वो अंदर आ जाएगा इसमें, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो चेक करेगा ए इज लेस देन बी है क्या, ए में क्या है मेरा 10 है, बी में क्या है 12 है, तो ए छोटा है बी से, हाँ ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। फिर वो अंदर आएगा इसमें ए इज इक्वल इक्वल टू बी चेक करेगा, ए में क्या है मेरा 10 है, बी में 12 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और वो एल्स वाले में जो प्रिंट नो लिखा है उसे प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम नेस्टेड वाले इफ एल्स भी चला सकते हैं, अगर नेस्टेड की हमें ज़रूरत कभी एक एक के अंदर दूसरी कंडीशन मैच करानी है, दूसरी के अंदर तीसरी कंडीशन मैच करानी है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इनके जो एल्स होंगे
इस वाली कंडीशन का जो एल्स होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस। अब देखते हैं कि इफ कंडीशन और एंड के साथ किस तरह से काम करती है। सपोज आपके पास क्या है कि दो कंडीशंस आपने लगाई हैं यहाँ पे, ठीक है, दो कंडीशन में लिख देता हूँ, जैसे कि इफ ए इज इक्वल इक्वल टू सी लिख दिया मैंने और ए इज इक्वल इक्वल टू बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, प्रिंट यस, ठीक है, यस प्रिंट कराया, और एल्स में मैं करा देता हूँ प्रिंट नो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और मैंने लगा रखा है, और का क्या मतलब है, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो आगे बढ़ जाएगा और ये वाली कंडीशन को मैच करेगा, यानी कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा और इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरा ए में क्या था, 10 था, और सी में भी 10 था, ठीक है, तो ये कंडीशन तो यहीं पे ट्रू हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता ए इज इक्वल इक्वल टू बी और यहाँ पे लिखता ए इज इक्वल इक्वल टू सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल इक्वल टू बी तो होता ही नहीं, क्योंकि ए क्या है, 10 है, बी मेरा 12 है, तो ये वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो जाती। फिर वो यहाँ पे आता, दूसरी कंडीशन चेक करता, क्या ए इज इक्वल इक्वल टू सी है, तो वो कहता हाँ ए इक्वल इक्वल टू सी है, दोनों में 10 मैंने रखा हुआ, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती और वो इसके अंदर आ जाता, क्योंकि और लगा रखा है, यानी और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। अब इसके ही अपोजिट क्या होती है, एंड कंडीशन होती है, ठीक है, इफ ए इज इक्वल इक्वल टू बी कर दिया एंड ए इज इक्वल इक्वल टू सी, ठीक है, तो वो कर देगा प्रिंट यस, ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्स प्रिंट नो, ठीक है, इस तरह से कर देगा। तो अब दोनों को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले वाले में क्या आया, मेरा यस आया, और दूसरे वाले में क्या आया, मेरा नो आया। ये यस आ गया पहले वाले में, दूसरे में नो आ गया, यानी कि जब मैंने और का केस चलाया तो यस आया मेरा आउटपुट, ठीक है, और जब मैंने एंड का केस चलाया तो नो आया मेरा। नो क्यों आया, बेसिकली एंड के केस में क्या होता है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इस ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है, अदरवाइज वो एल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जबकि और के केस में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ के अंदर चला जाएगा और ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है एंड और में डिफरेंस, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट एंड देख लेते हैं, शॉर्ट एंड में कैसे हम चलाते हैं इसको, इफ एल्स को, अगर एक ही लाइन में हमें काम करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज कि शॉर्ट एंड है बेसिकली, इसमें छोटा सिंटेक्स है, ठीक है, तो मैं छोटे सिंटेक्स को कैसे लिखते हैं इसको, इफ एल्स को अगर लिखना हो प्रिंट यस, ठीक है, यस प्रिंट कर दे, अगर इफ ए इज इक्वल इक्वल टू सी होगा, ठीक है, अगर ए इज इक्वल इक्वल टू सी होगा तो यस प्रिंट कर देना, एल्स प्रिंट नो, ठीक है, तो एक बार चला के देख लेते हैं इसको। तो इसने यस प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर देता हूँ, एस और ऐसे बढ़ा देता हूँ देखने के लिए कि हाँ यही वाला है। तो यहाँ पे देखो ये वाला यस इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से एक लाइन में भी हम अपने कोड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट एंड कहते हैं पाइथन में, ठीक है। तो इतना ही था यार इफ एल्स वाली वीडियो में, और बहुत ही ईजी है इफ एल्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, तो बहुत सिंपल है। आगे जब हम और एक्चुअल डेवलपमेंट में करेंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे उस टाइम पर हम और भी देखेंगे कैसे हम लोग डेटा के साथ इसको इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये बेसिकली बेसिक है, आपको पता होना चाहिए इफ एल्स कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ होता है, इसका यूज़ केस क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।